बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों। प्यारी बहनों, आज आपसे एक क्वेश्चन ये है कि किस किस बहन का भाई कुकिंग बहुत अच्छी कर लेता है। आपको अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया होगा कि मैंने क्वेश्चन क्यों किया है। जी हाँ, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए किया है कि आज की कुकिंग कर रहा है मेरा भाई, और मेरा भाई ही जो है वो वीडियो की एडिटिंग भी उसी ने की है सारी। और आपको वीडियो की क्वालिटी में और एडिटिंग में वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा कि मेरी एडिटिंग और उसकी एडिटिंग में कितना फ़र्क है। और हमेशा जब भी मैं वीडियो एडिट करके डालती हूँ ना, हमेशा मुझे उससे डांट पड़ती है कि ज़रा अच्छी एडिटिंग नहीं की, ज़रा क्लियर वीडियो नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और मैं आगे से ही कहती हूँ, मैंने तो अपनी पूरी एफर्ट की है वीडियो अच्छी बनाने में, नहीं बनी तो मैं क्या करूँ। और वो बेचारा हमेशा जो है ना, वो मेरी वीडियोस को मतलब देखता है और मेरी वीडियोस पे टैग शैग लगाता है। ये जो चैनल है, कभी भी मैं अकेली ना चला सकती। मुझे कुछ भी ABC भी नहीं पता थी, वीडियो की एडिटिंग की कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ मुझे उसने सिखाया है। मैं उसके साथ मिलकर अपना चैनल चला रही हूँ और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करता है। स्टार्ट में जब हमने काम शुरू किया था, मुझे नहीं पता होता था कि वॉइस ओवर भी हो सकती है। तो उस टाइम पे मैं वीडियो पूरी बनाती थी और साथ साथ बोलती थी। जब स्टार्ट की मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार वो क्या ही वक्त था, और किस तरह 3-4 साल पहले जब मैंने शुरू किया था किस तरह की क्वालिटी की हम लोग वीडियोज़ बनाते थे। तो बेचारा उसको भी किसी ना किसी तरह सेट करके एडजस्ट कर देता होता था। फिर अक्सर ऐसा होता था जब मैं वीडियोस देखती थी तो उसमें अक्सर कहना कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा गया जी आप हाफ के जी आलू लेंगे तो उसके साथ आपके इतने कटलेट्स बन जाएंगे। तो मैंने सोचना कि किस तरह इनको पहले से अंदाज़ा हो जाता है, हमें तो कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कितनी चीज़ में इतनी चीज़ बन जाएगी। अब तो ज़ाहिर है वीडियोज़ बना बना के, और कुछ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना फूड का बिज़नेस है, उसके साथ काफ़ी मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितने चीज़ में आपका कितनी क्वान्टिटी बन सकती है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता होता था, तो मैंने बड़ी हैरान होना। फिर भाई ने मुझे बताया, उसने मुझे एडिटिंग सिखाई और उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया। और उसने वो एडिटिंग में बड़े मुझे वो भी, आप ये वाले इफेक्ट्स डाला करें, ये वाले इफेक्ट्स डाला करें, इतना कुछ तो मैं नहीं करती, लेकिन यह कि जितना मुझसे ईजिली हो सकता है उतना मैं करती हूँ। फिर उसने मुझे वॉइस ओवर वाला ऑप्शन बताया कि आप ना वॉइस ओवर कर लिया करें, और वो मुझे सबसे ईजी लगा। और मज़े की बात बताऊँ, जब मैं शुरू में उसने मुझे कहा ना आप वॉइस ओवर कर लिया करें, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि यार मैं कैसे उसी टाइम पर बोलूँगी सारा ना, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस टाइम पर ये बात बोलनी है, मैंने इस टाइम पर वीडियो तो मेरे सामने नहीं होगी तो मैं गायबाना कैसे सारा कुछ बोलूँगी। यानी इतना बिल्कुल मैं इस चीज़ से, इस फील्ड से बिल्कुल बेखबर थी और मुझे पता नहीं था कि इसमें कितनी मतलब आसानी है और कितनी मुश्किल है। तो लेकिन जब उसने मुझे समझाया और मुझे फिर पता चला, मैं कहो ये तो इतना आसान काम था और ऐसे ही मैंने इसको इतना ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ था। स्टार्ट में हम लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की, लेकिन उस वक्त तक हमें कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट अगस्त के महीने में मेरी एक दो वीडियो जो हैं वो वायरल हो गई। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अब मेरा दिल करता है मैं वीडियोज़ बनाऊँ। और अब ये मेरा भाई जो है वो पहले से मेरा बड़ा साथ दे रहा था और अब इसने मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वो मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करता है कि मेरे वीडियो के टैग शैग मैं उसको बोलती होती हूँ कि मुझे बताओ मैं क्या टैग लगाऊँ, मैं क्या करूँ, और काफ़ी ज़्यादा वो मेरे साथ इस तरह की जो है मुझे हेल्प देता है। जो भी काम है, आप किसी भी फैमिली का हिस्सा है, मैं यही समझती हूँ कि आप अकेले नहीं कर सकते। मैंने जब फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और जब ये मैंने चैनल भी बनाया था ना, मैंने उनसे परमिशन लेके बनाया था और उन्होंने मुझे हैप्पीली इजाज़त दी हाँ आप बनाओ, और तब भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अब मैं कहती हूँ कि रिश्तों में आपके सिंसियरिटी होना तो आप बहुत खुशकिस्मत हो जाते हैं। जब मैंने ये मतलब चैनल बनाया, और उस टाइम पर अभी हमारा चैनल नहीं चल रहा था, तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो जैसे ही मैं वो कोई वीडियो अपलोड करती थी, वो उस वीडियो को ना सिर्फ देखते थे, उसको लाइक करते थे, और जितने भी उनके पास व्हाट्सएप के नंबर थे, ग्रुप्स थे, वो सब में मेरी वीडियो शेयर करते थे। फिर एंड में मैं हट गई कि नहीं हो रहा, फिर मैंने कहा कि अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा, चल ही नहीं रहा, तो फिर क्या करें। तो फिर ज़ाहिर है फिर मैंने फूड बिज़नेस उनके मशवरे से शुरू कर लिया, लेकिन फिर साथ साथ मेरे भाई ने मुझे अब दोबारा कहा कि आपने चैनल को क्यों छोड़ा है, आप चैनल चलाएं साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चला सकती, कुछ भी नहीं है उस पर, मुझे नहीं मज़ा आता उस पर काम करने का, कुछ भी नहीं मिलता, कोई व्यूज़ नहीं आते, कुछ भी नहीं है, बस सारा दिन ऐसे क्या है ना। तो हालांकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका था और हमारे चैनल को मोनेटाइज हुए भी 2-3 साल हो गए थे, तो लेकिन उसके बाद जब कोई रिस्पांस नहीं था तो फिर मैंने बिल्कुल उसको छोड़ दिया। बीच में कभी मेरा दिल करता था मैं भाई से कहूँ कि भाई तुम इस चैनल को ना सेल कर दो, हमने इस पर वर्क करना, बस ठीक है ख़त्म करते हैं ना इसको। तो लेकिन फिर अब जब दोबारा मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की, तकरीबन 7 माह बाद मैंने अपनी वीडियो जो है अपलोड की थी, तो भाई ने मुझे कहा कि आप ना ऐसे रैंडमली, मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, उसका मुझे फ़ोन आया कि डांट रहा था मुझे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही, कोई कितने महीने हो गए आपने वीडियो नहीं डाली। तो मैंने कहा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मैंने कोई वीडियो नहीं डालनी, बस ठीक है मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ ना इस टाइम मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। तो कहता आप उसकी वीडियो बनाएं ना, लोगों को मोटिवेट करें, आजकल आपको पता है कितनी ज़रूरत है सबको, तो आप उसको अपनी वीडियो, अपने छोटे छोटे ऑर्डर जो आपके आते हैं उसकी वीडियोज़ बनाया करें। मैंने कहा यार किसी ने नहीं देखना, नहीं आप बनाएं।
उस दिन मैं घर में जस्ट एक पिज़्ज़ा बना रही थी और होममेड चीज़ के साथ ना चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों मैंने घर में बनाई थी। मैंने कहा अच्छा चलो ये इतना बोल रहा है ना, जैसे बंदा बेदिली से काम करता है ना, मैंने कहा चलो इतना बोल रहा है ये तो चलो मैं ना ये हल्के से ना ये शॉर्ट्स दो तीन लगा देती हूँ ना। तो ऐसे मैंने ना बिल्कुल बेदिली से, बिल्कुल भी मेरा अंदाज दिल नहीं था, लेकिन मैंने वो एक ना दो तीन शॉर्ट्स बना के लगा दिए। एक शॉर्ट के ऊपर ना उस दिन हमें 2.1K व्यूज़ आए। तो भाई की मुझे कॉल आती है और मुझे कहता है बड़े व्यूज़ हैं भी वीडियो पे आज। मैंने कहा क्या हुआ, कौन से व्यूज़ आ गए हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की ना, मैंने कोई ऐसी वीडियो डाली है जी फलानी वीडियो पे व्यूज़ हैं। उसके बाद से लेके भाई ने वो सख्ती मुझ पे शुरू की है करनी, वो सख्ती शुरू की है कि मुझे दिन में मेरे पे सख्ती होती है कि 3 शॉर्ट्स जो हैं आपके जाने ही जाने हैं हर सूरत। और जैसा कि आपको पता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर मैं उसको कहती होती हूँ कि मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो मैं करूँगी ना, वो कहेगा ऑर्डर नहीं आ रहा। तो वेट लॉस पे भी आपसे इतना लोग क्वेश्चन करते हैं, उस पे कोई ना कोई वीडियो बना दें। और यकीन जानिए मेरी हर वीडियो के पीछे जो मुझे सपोर्ट कर रहा है ना वो मेरा भाई कर रहा है, और अगर मेरा भाई मुझे सपोर्ट ना करता तो मैं कभी भी अपना चैनल इस तरह से ना चला सकती। आप लोगों में से भी जिस चीज़ का भाई इसको सपोर्ट करता है या जिसके इनलाज उसको सपोर्ट करते हैं ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिली। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने इनलाज से भी उतनी ही सपोर्ट मिली है और अपने मैके से भी उतनी ही सपोर्ट मिली है।